This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 18 मई 2022 और मैं आपकी अपनी निशा स्वागत करती हूं आप सभी का आज के छोटा डोज में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैजल ने निजी कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। तमिलनाडु के सलेम में दो बसों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। वारदात दुर्घटनाग्रस्त एक बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के बीच अब दिल्ली की जामा मस्जिद में सर्वे कराने की मांग उठी है। इस मांग को लेकर हिंदू महासभा की ओर से पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इसलिए वहां खुदाई कर इन मूर्तियों को निकाला जाए। गुजरात स्थित मोरबी के हलवद में जीआईडीसी में नमक फैक्ट्री की दीवार अचानक गिर गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। अभी तक 12 मजदूरों की मौत की खबर है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। 3 बुलडोजरों के जरिए मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने वाले आतंकवादी को नागपुर एटीएस ने अब अपनी हिरासत में ले लिया है। इस आतंकवादी का नाम रईस अहमद शेख सदुल्ला शेख है और इसे जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो श्रीनगर की जेल में बंद था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने ये कबूल किया था वो आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने नागपुर गया था। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान के एक सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। यहां भर्ती एक लकवा ग्रस्त महिला की आंखों को चूहों ने कुतर दिया। महिला के पति का दावा है कि उसकी पत्नी की आंखों से खून भी निकला। आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून से 19 जून तक T20 सीरीज खेली जाएगी। ऐसी खबरें आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कोच बनाया जा सकता है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। पिछले 4 सालों में ये कपल हर मौके पर एक दूजे का साथ देते नजर आए हैं। अब ये दोनों अपने रिश्ते को शादी के पवित्र बंधन से बांधना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबरों के मुताबिक अर्जुन और मलाइका इस साल 2022 के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएंगे।